हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और आज फिर से एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ और आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू ड्राइवर फ्रेशर, बिल्कुल कुछ भी नॉलेज नहीं, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई तजुर्बा नहीं, और ओला उबर में काम करके किस तरीके से उसकी स्टार्टिंग होती है, किस तरीके से जब पैसे कमाए जाते हैं तो खुशी होती है, तो सारा कुछ आज के ब्लॉग के अंदर है। मैं एक भाई है, मेरे से कॉन्टेक्ट किया और एक बिल्कुल फ्रेशर ड्राइवर, अगर आप हैं, आप सोच रहे हैं कि ओला उबर में कैसे काम किया जाता है, बिल्कुल भी कैसे मैनेज करते हैं, सारा कुछ बताने वाला हूँ आज के ब्लॉग के अंदर। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना। चलो आज का ब्लॉग कर लेते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों मैं आपकी बात करूं तो मैं आपके लिए कैसे मोटिवेशनल वीडियोस लेके आता रहता हूं यूट्यूब पे, कैब बिजनेस के रिकॉर्डिंग, इतनी भी चीज़ें होती हैं, आपको एक हर एक इन्फॉर्मेशन शेयर करता हूं ताकि आप अपनी ज़िंदगी अच्छे से काट सकें और अच्छी खासी पैसे कमा के काम करें। इस बिज़नेस में काफ़ी सारे भाई आना चाहते हैं पर वो बोलते हैं मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है, तजुर्बा नहीं है, काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, नया हूँ, फ्रेशर हूँ, काम कैसे किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपके अंदर एक कन्फ्यूजन जैसी भरी रहती हैं, आपके अंदर भी होंगी। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज की वीडियो अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे, मेरी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो मेरे चैनल के ऊपर अपलोड है, ऑलरेडी मैंने काफ़ी सारी वीडियो अपलोड की हैं ये चीज़ों को लेकर के कि किस तरीके से इस बिज़नेस में आके काम किया जाता है, कोई सक्सेस होता है, कोई अनसक्सेस होता है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के ना आपके मन में कन्फ्यूजन रहता है कि आसिफ भाई हम बिल्कुल फ्रेशर ड्राइवर हैं, किस तरीके से काम को अरेंज करा जाता है, मैनेज किया जाता है। एक हफ्ते पहले मैंने ब्लॉग डाला था बिल्कुल फ्रेशर ड्राइवर को, जिसको मैंने सजेशन दिया था और सिर्फ गाइड किया था, उसकी अर्निंग और उसका एक्सपेंस आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो 7 डे पहले देख लेना। आज का ब्लॉग इसका ऐसा है, एक भाई हैं, मुझे काफ़ी दिन पहले मेरे इंस्टाग्राम पर DM किए थे, उन्होंने कहा था आसिफ भाई कुछ आपकी वीडियो देख के काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली, कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मुझे उन्होंने DM किया था, DM पे लिखा था कि आसिफ भाई यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ आप देख लें, यहाँ पे लिखा था कि आसिफ भाई कुछ आपके कोई पहचान का या आपके कोई जानने वाला कुछ कोई गाड़ियाँ देता हो रेंट पे तो मुझे थोड़ी सी हेल्प करा दें। वहाँ पर मैंने उनको रिप्लाई में दिया था कि भाई मतलब मैं किसी के मतलब ये चीज़ किसी को पहचानता नहीं हूँ और मतलब मैं इस चीज़ को मैनेज नहीं कर सकता, आप अपने हिसाब से अरेंज कर लें। तो दोस्तों वहाँ पर भाई ने बोला ठीक है, ओके, थैंक्स यू। उसके बाद मुझे कुछ गाड़ियों के पुराने नंबर थे वहाँ पे दिए थे कि ये नंबर की गाड़ियाँ यहाँ पे मतलब चलेगी क्या नहीं चलेंगी, उस टाइप की कॉन्फ्यूजन थी तो वो चीज़ सजेशन की थी। उसके बाद भाई को कुछ अजीब सा लगा तो फिर भाई ने अपना एक मतलब वैगनार गाड़ी ले लिया, अपना खुद का परचेज कर लिया, ठीक है। गाड़ी लेने के बाद भाई ने जो अर्निंग चालू किया, यहाँ पर मैंने आपको लगाया है, आप देख लें यहाँ पर लगा रहा हूँ अर्निंग, आप ओला में काम स्टार्ट किया है, उबर में गाड़ी अभी अटैच नहीं किया है, भाई की अपनी जो खुशी थी ना, एक हैप्पी मतलब जो होती है ना कि बंदा जब काम करना किसी नए चीज़ में जाता है तो अपनी एक खुशी जाहिर करता है। खुशी जाहिर करने का मतलब ये है कि भाई आपके जो वीडियो देख के जो इंप्रेशन मिला है, मोटिवेशन जो मिला है, उससे वो चीज़ें सीख करके आज की जो मेरी खुशी है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूँ। तो भाई ने मुझे पहले शेयर कर दी थी सारी चीज़ें, डिटेल में शेयर की और वहाँ पर इंस्टाग्राम पर मुझे डाला, तब मैंने देखा, मैंने सोचा लाओ इसके ऊपर एक कॉन्टेंट बनाया है ताकि एक जो नए फ्रेशर होते हैं ना उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, उनको कुछ मोटिवेशन मिले, कुछ सीखने का तजुर्बा मिले वो चीज़ को लेकर के। तो यहाँ पर मैंने आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे फर्स्ट डे भाई ने जो काम किया ना वो 2000 पहले दिन की अर्निंग है, फर्स्ट 10 तारीख से 16 तारीख जुलाई है, 10 जुलाई से लेकर 16 तारीख का ऊपर आप देख रहे होंगे वहाँ पर नया, आज जो महीना चल रहा है अभी का, उसी में 10 तारीख से 16 तारीख था, 10 तारीख पहले दिन काम किया, उसके अंदर 2000 रुपये का काम किया 2000 का फर्स्ट डे के अंदर, राइड किया लोकल सिटी के अंदर, ठीक है। सेकंड डे जो काम किया ना वो 21000 है, मतलब 2100 है, 2100 रुपये का, 2100 रुपये मतलब 100 रुपये सेकेंड डे बढ़ गए हैं, पहले दिन 2000, सेकंड दूसरे दिन 2100, तीसरे दिन की आप अर्निंग देखेंगे ना यहाँ पे आप 2600 रुपये की अर्निंग है, 2600 की अर्निंग, ये टोटल अर्निंग है, मैं आपको पहले बता दूँ फिर आप मुझे कॉमेंट करें कि आसिफ भाई इसमें CNG निकाल के है क्या। तो इसके अंदर मैं आपको जो स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ वो बिल्कुल भी CNG निकाल के नहीं है, टोटल इंक्लूडिंग है और ओला की टोटल अर्निंग है ये, मतलब 3 दिन काम किया, 3 दिन का अर्निंग अगर काउंटिंग करते हैं तो 2 3 6000 और 600 यानी कि 6700 रुपये का अर्निंग, 6700 रुपये की अर्निंग में अगर पर डे की अगर CNG काउंटिंग करते हैं, मतलब माइनस करते हैं
तो आपकी अर्निंग 500 क्रॉस माइनस करने के बाद अगर 1500 मिलते हैं, दूसरे सेकेंड इनिंग में अगर 500 की माइनस करते हैं तो 600 की बचत होती है, 1600 रुपये मिलते हैं। अगर तीसरे दिन में 500 की CNG काउंटिंग करते हैं, 500 से ज़्यादा CNG नहीं बनेगी, फिर भी मैंने 500 लगाए हैं। सिटी राइड में CNG गाड़ी में इतना ज़्यादा पैसे नहीं लगते हैं, क्योंकि इन सिटियों के अंदर मुंबई और दिल्ली के अंदर ज़्यादा ट्रैफिक होती है, उसकी वजह से वहाँ पर CNG ज़्यादा लगती है। लेकिन कुछ सिटी होती है वहाँ पर ट्रैफिक कम होती है, वहाँ पर CNG बचत होती है। उस चीज़ को लेकर के थर्ड डे की जो अर्निंग है ना वो 2600 रुपये है, तो वहाँ पर अगर 500 रुपये की अर्निंग निकालेंगे तो भी 2100 रुपये की बचत है। और बिल्कुल फ्रेशर ड्राइवर के लिए ये इतनी, अगर पर डे के 1500 रुपये की भी अर्निंग करता है, महीने के 30 दिन गाड़ी ड्राइव करता है, तो 45,000 बनता है। 15 × 3 = 45, 45 से 50,000 मैक्सिमम अर्निंग निकाल सकता है एक नया फ्रेशर बंदा डेली। अभी जब ये बंदा नए आते हैं, फ्रेशर आते हैं, तो उनको झिझक रहती है, थोड़ा सा डर रहता है सिटी के अंदर ट्रैवलिंग करने का या फिर ड्राइव करने का, कुछ कन्फ्यूजन रहते हैं, बहुत सारी इश्यूज रहती हैं। सारी चीज़ें बंदा सीखता जाता है और काम करता जाता है। अब कोई भी बंदा पूछते हैं, यार मैंने कभी काम किया नहीं यहाँ से भाई, तो कैसे मैनेज करना? तो भाई काम तो मैंने भी नहीं किया था कभी, गाड़ी लेना ये सब करना, कन्फ्यूजन बहुत सारे होते हैं। ऐसे कन्फ्यूजन आपके भी मन में क्वेश्चन चलते होंगे कि आसिफ भाई आप सोचेंगे कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, गाड़ी का EMI निकलेगा क्या नहीं निकलेगा, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चन आपके मन में भी रहते ही रहते हैं। तो इन सारी चीज़ों का मैं आपको जो विद प्रूफ्स लाइव दिखाता हूँ, ताकि बंदे जो भी हैं देखो कर सकता है वो कर ही सकता है, जो नहीं कर सकता है उसके लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है, चाहे वो कितना भी सीख ले कितना भी कुछ कर ले। हर बंदे का काम करने का जो तरीका होता है ना, वो सारे बंदों का डिफरेंटली तरीका होता है काम करने के लिए। तो आपको मैंने जो फ्रेशर बंदे की जो इनकम दिखाई, अगर किसी दिन मेरे पास लाइव आएगा विद प्रूफ में आपको बात कराऊंगा, उसके साथ वीडियो शूट करके आपको कम्प्लीटली दिखाऊंगा कि कौन है कैसा था। तो इस चीज़ों को देख करके ना आप थोड़ी सी चीज़ें समझ सकते हैं, उनको जान सकते हैं कि हाँ, और ये जुलाई महीना है फिर भी बिजनेस बहुत ज़्यादा मतलब ड्रॉप है, फिर भी इतनी अर्निंग एक नया फ्रेशर ड्राइवर कर रहा है लोकल के अंदर। तो जो बंदे काम करते हैं जिनके काम करने का आइडिया हो नहीं होता है, वो धीरे धीरे सीख लेते हैं और काम करने का तजुर्बा उनको हो जाता है। तो इस चीज़ को लेकर के भी आपके ज़्यादा कन्फ्यूजन रहते हैं, तो इस टाइप के वीडियो देख करके आप सोच सकते हैं और काम करने का अजीबा अपना निकाल सकते हैं कि किस तरीके से हमको काम करना है और पैसे अर्न करना है। काफ़ी सारे भाई मन के में आ जाता है कि आप ओला उबर में काम करेंगे, तो ओला उबर इतने भी ख़राब नहीं है, काम आएगा तो आप अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। हज़ारों लाखों ड्राइवर्स हमारे देश में हर स्टेट हर सिटियों के अंदर काम कर रहे हैं, जिनको नहीं करना है वो बाहर बैठे रहते हैं, सिटियों में बैठे रहते हैं। मैं भी बैठा रहता हूँ, मुझे देखो तो बैठे रहता हूँ ना, ज़्यादा देखो तो जो भी करता हूँ मतलब ऑडिशन में करता हूँ, लोकल में तो है नहीं तो बैठा रहता हूँ। तो इस टाइप से अगर जो नया बंदा होता है ना, बिल्कुल फ्रेशर होता है ना, तो वो किसी भी कैटेगरी की बुकिंग आती है उसको लेके चल देता है और इस हिसाब से उसकी अर्निंग होती रहती है। लेकिन कुछ टाइम के बाद ना, मैं आपको हकीकत बता दूँ, जिस टाइम आप आलसी हो जाओगे ना, दोस्तों के साथ बैठना स्टार्ट कर दोगे ना, उस टाइम आप मेरे जैसे ही बैठने लग जाओगे, जहाँ देखो वहाँ बैठे रहोगे फुल डे। अच्छी बुकिंग आएगी, अच्छी अर्निंग वाली होगी, पर डे की अर्निंग वाली होगी, वही उसी पे काम करने का फोकस करोगे और ये चीज़ आज नहीं तो कल आपके अंदर आ ही जाएगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है, बहुत सारे ऐसे भी बंदे हैं जो कंटिन्यू चलते रहते हैं, दोस्तों में फ्रेंडों में नहीं बैठते हैं बिल्कुल भी, बैठे 2 मिनट में बुकिंग आई निकल गए, आलस नहीं करते मतलब बिल्कुल बैठते नहीं है, चालू ऑन ड्यूटी रहते हैं, बुकिंग आ गई तुरंत निकल जाते हैं। क्योंकि अगर वो बैठ गए बातों में व्यस्त हो गए ना, तो सारा बिजनेस चौपड़ हो जाता है फुल डे का। तो इस चीज़ से बचना है आपको, अगर नए फ्रेशर हैं, दोस्ती रखनी है दोस्ती बनानी है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन काम पे फोकस ज़्यादा रखना है, तभी आप सक्सेस हो पाएंगे। नहीं तो आलस करेंगे, एक जगह बैठे रहेंगे लॉन्ग बुकिंग के लिए या फिर अच्छी बुकिंग के लिए। तो आज का ब्लॉग इतना ही था, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।